नमस्कार दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस अनदर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। सो दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, सर्टेन स्लेट एस्पिरेंट्स एंड इन द पीएचडी एंड एमफिल एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट मी, मायसेल्फ सूरज, एंड आई हैव डन एमकॉम अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2 times। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट। सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, सो हियर ऑप्शन इज गिवन, एम्पिरिकल रिसर्च, थियोरिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, जैसे कि एम्पिरिकल भी हो सकता है, थियोरिटिकल भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, रेप्लिकेबिलिटी जैसे कि एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, ये सब रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, आवर ऑप्शन इज गिवन एम्पिरिकल, थियोरिटिकल, एक्सपेरिमेंटल। सो ऑल ऑफ द अबव will be the correct answer. So option D is the correct answer. देखिए next question क्या है? See the next question. Authenticity of a research finding is, it here option is given, originality, validity, objectivity, all of the above. See authenticity of a research finding मतलब research true है कि नहीं, research true है कि नहीं, हम लोग कैसे कैसे find कर सकते हैं whether it is true or not. So originality of the research, yes, इससे भी हम देख सकते हैं कि whether the research is true or not. Validity of the research से भी देख सकते हैं एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च से भी हम लोगों को पता चल सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च, ओके, और रिसर्च इज वेदर इट इज ट्रू और नॉट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। सो व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, सो फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज पॉसिबल टू काउंट इट्स इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। जैसे कि एक कॉलेज का कितना स्टूडेंट है, सो हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना स्टूडेंट है, बट टोटल स्टार्स कितना है हम लोग नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, टोटल स्टार्स कितना है हम लोग नहीं काउंट कर सकते। सो दिस इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जैसे कि हम लोग जिसको काउंट नहीं कर सकते, ये क्या होगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या होगा? फाइनाइट पॉपुलेशन। टोटल, जैसे कि एक कॉलेज में कितना स्टूडेंट्स है हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना स्टूडेंट्स है, ठीक है, सो दिस इज काउंटेबल। सो आवर ऑप्शन इज गिवेन, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, जिसको हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जैसे कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, सीधा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन व्हिच सैम्पल मेंबर्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बट विथ ए फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल। जैसे कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है कि फर्स्ट जो रेस्पॉन्डेंट है हम लोग रैंडमली चूज कर देगा, उसके बाद एक सिस्टमेटिकली, ठीक है, जैसे कि हम आफ्टर फाइव ऐसे हम एक सिस्टमेटिकली रेस्पॉन्डेंट्स ले रहा है, ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकली जा रहा है, तो इसको हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following options is main task of research in modern society? Option क्या दिया हुआ है? देखिए, to keep pace with the advancement in knowledge. Option B is to discover new things. Option C is to write a critique on the earlier research, earlier writings. Okay, and systematically examine and critically analyze the investigations sources with the objectivity. So question क्या दिया हुआ है? देखिए, which of the following options is the main task? मतलब कौन सा ऑप्शन क्या मेन टास्क है कि ऑफ द रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च का मेन टास्क क्या है? देखिए, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, यस, मतलब न्यू एडवांस जनरेट करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, यस, न्यू थिंग्स डिस्कवर करने के लिए, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थियरीज, ये सब डिस्कवर करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, इसके लिए हम रिसर्च नहीं करते हैं कि हम दूसरे का राइटिंग्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, सो ये नहीं होगा। टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, रिसर्च हम इसके लिए नहीं करते हैं कि हम लोग अर्लियर राइटिंग्स को क्रिटिसाइज करें, ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सोर्सेस विद ऑब्जेक्टिविटी। सो आवर क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following option is the main task of the research in modern society? So option A will be the correct, option B will be the correct, and option D will be the correct. हम research research earlier writings को criticize करने के लिए नहीं करते, so option C
will not be the correct answer. Okay, so option A, B, and D is the correct answer. See, the next question is, what do you consider as the main aim of the disciplinary research? So option dekhiye kya hai, to bring out holistic approaches to research, to bring out holistic approaches, okay, and to reduce the emphasis of single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, and to create a new trend in research methodology. Dekhiye, what do you consider as the main aim of the disciplinary research? So main aim kya hai, main aim hai ki to bring out the holistic approaches of the research, okay, to bring out holistic approaches to the research, okay. So holistic approaches kya hai, dekhiye ki for example the aise likha hua hai, dekhiye, an example of holistic approaches is healthcare that focuses on health of the entire body, jaise ki pura body ke bare mein bol raha hai, theek hai, and mind, not just a parts of the body. So research mein bhi pura, jaise ki hum log, we do not do the research for solving the problem of an individuals, we will do the research to solve the problem of the society. Matlab ek holistic approach leta hai, theek hai, solve the problem of the society as a whole, we are not doing the research for solving the problem of an individuals, okay. So our correct answer will be to bring out holistic approaches to research. So option A is the correct answer. Dekhiye, next question kya hai, see, the next question is, the depth of any research can be judged by, here option is given, title of the research, objectives of the research, total expenditure of that research, and duration of the research. Dekhiye, ek research ka depth kitna hai, hum title of the research se hum log nahi bol sakte ki uska depth kitna hai, but objectives of the research se hum log bol sakte ki research mein kya hai, kya kitna hai research, hum log bol sakte ki objectives of the research se ek research ka matlab main contents kya hai, okay, research kyu kya hai, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च, सो एक्सपेंडिचर से हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये रिसर्च का डेप्थ कितना है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च से भी पता नहीं चलेगा. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. द डेप्थ ऑफ द एनी रिसर्च कैन बी जस्ट बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ओनली ऑब्जेक्टिव से भी पता चलेगा कि उसका डेप्थ कितना है, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. Which of the following statement is correct? Reliability ensures validity. Validity ensures reliability. Reliability and validity are independent of each other, and reliability does not depend on objectivity. Okay. So which of the following statement is correct? दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है. So reliability ensures validity. नहीं, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि reliability RC. Reliability always ensures consistency. Okay. RC reliability ensures. Always ensures consistency, not validity. And validity ensures, always ensures the accuracy, not the reliability. Okay, so option A is not the correct. Option B is wrong also. And reliability and validity are independent of each other. Yes, reliability and validity are not dependent of the each other. They are independent. Okay, so reliability ensures consistency. Validity ensures accuracy. And option C is. Reliability and validity are independent. So option C will be the correct answer. ठीक है, reliability and validity are independent of each other. And option D क्या दिया हुआ है? देखिए, reliability does not depend on objectivity. No, this is also wrong. Reliability depends on objectivity. So option C is the correct answer. Reliability and validity are independent of each other. See the next question is. देखिए next question क्या दिया हुआ है? Research can be conducted by a person who, देखिए option the option A is has studied research methodology and holds a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability, and is a hard worker. Okay, so research can be conducted by a person who possesses thinking and reasoning ability. मतलब जिसका ability है, those who have the ability to do the research, those who have the capacity to do the research, okay, matlab jiska ability hai research karne ka, those who have the curiosity to find out the new things, only they can conduct the research, okay. So our correct answer will be option C, possesses thinking and reasoning ability. Matlab jiska ability hai, jiska quality hai, jiska curiosity of learning hai, only they can do the research. So option C is the correct answer. See the next question is,
In Hindi language, the term anusandhan refers to, here option is given, follower of an aim, praying of an aim, attain the aim and become goal oriented. So in Hindi language, the term anusandhan refers to follower of an aim. Option A will be the correct answer. Okay, so the next question is, last question is, देखिए last question क्या दिया हुआ है. Research report should be viewed on the light of, here option is given, investigators bias, cultural context and methodological factor. देखिए research report should be viewed on the light of the methodological factor, मतलब methodology of the research. ठीक है, option C will be the correct answer. So methodology is the specific procedures and technique used to identify, select, process and analyze the information about a टॉपिक. मतलब मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन भी इंक्लूड होता है, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग यूनिट, मतलब सोर्सेस ऑफ द रिसर्च, ओके, सोर्सेस ऑफ द डाटा, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी मेथोडोलॉजिकल फैक्टर. ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.